श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि स्वसंकल्पकलाकल्पैः आयुधैरायुधेश्वरः दुष्टषोडशभिर्दिव्यैः दुषतां वः परः पुमान। षोडशभिर्दिव्यैः, अब इस शब्द से ही मालूम होता है ये षोडश यानी 16 आयुधों के बारे में बता रहा है। षोडशायुध स्तोत्रम जिसका नाम है, इसका पहला श्लोक इस प्रकार है, फिर से एक बार बोलता हूँ। स्वसंकल्प कलाकल्पैः आयुधैः आयुधेश्वरः जुष्टः षोडशभिः दिव्यैः जुषतां वः परः उमान। ये भगवान कांचीपुरम के नजदीक में रहने वाला जो तिरुप्पुरकुड़ी जगह है, वहां की जनता को एकदम एक प्रकार की बीमारी आने की, बीमारी फैलने की वजह से लोग बहुत तकलीफ में थे। उस वक्त उन सबको बचाने के लिए भगवान यानी भगवान की प्रेरणा से वेदांत देशिक जी ये षोडशायुध स्तोत्र और सुदर्शन अष्टक दोनों की रचना किए थे। ऐसा एवं उस प्रकार के स्तोत्र को सुनने के बाद सब लोगों में प्रचार प्रसार हुआ, वो सुनने के बाद सब लोग स्वस्थ हुए, ऐसी प्रसिद्धि इस स्तोत्र के लिए है। अभी भी ऐसी ही परिस्थिति है, थोड़ा बहुत हम लोग बाहर आ चुके हैं। इसका जो बहुत सारे लोग पाठ किए हैं श्रीरंग क्षेत्र में, कांचीपुरम में, कुंभकोणम में, जो सुदर्शन भगवान विराजमान है, अत्यंत शक्तिशाली प्रभावशाली है। एक समय पर याद आ रही है इसलिए मैं बताना अवश्य समझता हूँ। गेंद्रलाल सोमानी जी, जिसका नाम बहुत आदर से लिया जाता है, जो रामानुज संप्रदाय के अनुयायी हैं, बड़ौदा में विराजमान थे, बहुत प्रसिद्ध एक श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी सेठ जी थे, और उनका नाम तो अत्यंत प्रसिद्ध है, गेंद्रलाल जी सोमानी, जो अपने अंतिम समय में बहुत सुंदर भव्य द्वारका के नजदीक में, द्वारका में एक बहुत बड़ा धर्मशाला निर्माण किए थे, और सोमनाथ और द्वारका यात्रा करने वालों के लिए बहुत ही अनुकूल साबित हो रहा है इतने बड़े काम करने वाले। वो अपने तकलीफ से मुक्त होने के लिए, कुछ प्रॉब्लम से मुक्त होने के लिए इस भगवान सुदर्शन अष्टक का पारायण, सुदर्शन शतक का पारायण, षोडशायुध स्तोत्र का पारायण दास्ते करवा के कम से कम उसे एक दिन में 11 बार ऐसा सालों तक करके बाद में कांचीपुरम में आकर बहुत बड़ा भव्य अभिषेक करवाए थे सुदर्शन भगवान को, जिससे वो उसे मुक्त हुए थे, उस प्रॉब्लम से तत्कालीन मुक्ति मिली थी उनको, राहत मिली थी। ऐसा हम लोग प्रत्यक्षतः इसकी महिमा जानते हैं। स्वसंकल्प कला कल्पैहि आयुधैहि आयुधेश्वरः जुष्टः षोडशभिर्दिव्यैहि जुषताम वः परः पुमान। अपने संकल्प रूप, संकल्प का एक भाग है, अपने भगवान की इच्छा का एक भाग है, ऐसा रहने वाले जो उनके दिव्य आयुध हैं, दिव्य ही आयुध ही आयुधों से, जो आयुधों का ईश्वर रूपी ये सुदर्शन भगवान परः पुमान यानी भगवान श्री विष्णु ही इन दिव्य आयुधों में स्वयं प्रतिष्ठित होकर इन दिव्य आयुधों के द्वारा सब लोगों को का जो तकलीफ है उसे दूर करके विराजमान परह पुमान वहा जुषताम, आप सबको संतुष्ट कराइए, ऐसी प्रार्थना है। कैसे अन्वय है? तो संकल्प कलाप कल्पै ही षोडशभिः दिव्यैः आयुधैः जुष्टः, अर्थात अपने संकल्प, भगवान का संकल्प जो भी है, भगवान की इच्छा जो है उसे करने वाले ऐसे षोडश आयुध, भगवान जो भी इच्छा करें वो संपूर्ण कर देंगे,
वो आयुध सब ऐसे आयुध है। तो संकल्प के एक अंश मात्र के रूप से विराजमान जो 16 दिव्य आयुधों से विराजमान भगवान, ये तत्व को तो हर वल्लभ संप्रदाय में भी भगवान श्री कृष्ण 16 आयुधों के साथ विराजमान ऐसा मूर्ति श्रीनाथ जी में विराजमान है, जिसकी जिस मूर्ति की तस्वीर सब जगह पर मिलता है, ऑनलाइन में भी आप तपास करेंगे तो मिल जाएगा। ऐसे आयुध हम अपने संप्रदाय में तो प्रसिद्ध है ही, और दूसरे संप्रदाय में भी ऐसी प्रसिद्धि है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आयुधेश्वर, इन सबको अपने हाथ में धारण करने वाले आयुधेश्वर जी परमान, वो और कोई नहीं है, परमात्मा श्री विष्णु ही है। विष्णु ही चक्र में, शंख में, पाश में, शंख खड्ग में इत्यादि सब, शूल में, मुसल में, गदा में प्रतिष्ठित हैं। वो भगवान हमें संतोष कराए, हमारे तकलीफों को दूर करके संतुष्ट कराए, ऐसी प्रार्थना पहला श्लोक में किया गया है। दूसरा है, यदा आयत्तम जगत चक्रम काल चक्रम च शाश्वतम पातु वस्तत्परम चक्रम चक्ररूपस्य चक्रिणः। जगत चक्रम यदा जगत चक्रम काल चक्रम च शाश्वतम पातु वह तत् परम चक्रम चक्ररूपस्य चक्रिणः। बहुत सिंपल श्लोक है, जिसके अधीन है जगत चक्र, ये जगत रूपी जो चक्र है, जगत भी तो घूमता रहता है, परिवर्तनशील है, इसलिए परिवर्तनशील होने की वजह से भी चक्र है, और वैसे भी पृथ्वी घूमती रहती है इसलिए भी चक्र है। जिस भगवान के अधीन होकर ही ये पृथ्वी माता घूम रही है, जगत घूम रहा है। काल चक्रम, काल रूपी चक्र भी जिनके अधीन होकर ही घूम रहा है। शाश्वतम काल चक्रम, जगत तो कभी भगवान अपने अंदर समाहित कर लेंगे, परंतु काल तत्व तो सदा विराजमान है। अनादिर भगवान कालः नान्योस्ति द्विज विद्यते, विष्णु पुराण में कहते हैं। भगवान और काल तत्व दो ही अनादि तत्व है, बाकी सब भगवान में अंतर्लीन है, परंतु काल तत्व भगवान से, भगवान जैसे अनादि हैं वैसे ही काल तत्व भी अनादि है, क्योंकि किसी काल में तो सृष्टि करना है, किसी काल में ही तो उसका संरक्षण करना है, किसी काल में तो उसको समाप्त करना है, फिर से काल की प्रतीक्षा करना चाहिए फिर से सृष्टि करने के लिए, इसलिए काल भगवान से बहिर्भूत, भगवान जैसा ही रहने वाला एक तत्वांतर है, ऐसा इस विष्णु पुराण के वचन से, दोनों का नित्यत्व कहने वाले वचन से समझ में आता है। जिसके अधीन ही है ये जगत चक्र और काल चक्र, शाश्वत काल चक्र, यहाँ वो नित्यत्व बताया गया ना, उसे इधर याद करके बताते हैं स्वामी वेदांत ऋषि जी। अनादिर भगवान कालहा, ये क्योंकि इसे वेदांत रामानुजाचार्य जी भाष्य में भी कोट करते हैं, इसलिए उल्लेख करते हैं, यहाँ भी उसका शाश्वत तत्व जो है वो बताते हैं। जगत चक्र तो, जगत तो परिवर्तनशील है, वो इसलिए नित्य नहीं माना जाएगा, परंतु काल चक्र नित्य है, शाश्वत है, सदा विरा शाश्वत विराजमान, शाश्वत शाश्वत यानी ऑलवेज, शाश्वतम यानी सदा रहने वाला यानी नित्य है। पातु बस तत् परम चक्रम, तत् परम चक्रम वहा पातु, वो परम चक्रम, वो उत्कृष्ट जो भगवान चक्र रूपी भगवान है, वो आप लोगों को रक्षा करें। वहा पातु चक्र रूपस्य चक्रिणः तत् परम चक्रम, चक्र रूपस्य चक्रिणः, चक्र रूपधारी जो चक्री है भगवान है, चक्र रूप धारण करने, चक्र का आयुध का चक्रायुध और चक्रपाणी शार्ङ्गपाणी चक्रपाणी भगवान विराजमान है कुंभकोण में। आप सब दर्शन करने के लिए कभी न कभी द्रविड़ देश पधारेंगे, तो ये सब दर्शन करके जाना है, जहाँ भगवान का सान्निध्य अत्यंत अधिक है, और उनका दर्शन करने से ही हम सब पापों से दूर मुक्त हो सकते हैं। और श्री वैष्णवों को भगवान के सिवाय ग्रहों के ऊपर भी इतनी आधार नहीं है, क्योंकि भगवान ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं, इसलिए ऐसे भगवान को हम चक्र रूप से चक्रिणः परम चक्रम वहा युष्मान सर्वान, आप सबको सुनने वाले सुनाने वाले सब लोगों को पातु, ऐसा वेदांत देशिक जी प्रार्थना करते हैं चक्रायुध से।
और नेक्स्ट यत् प्रसूति शतैरासन् रुद्राः परशुलाञ्चनाः तदिव्यो हेति राजस्य परशुः परिपातु वः। यत् प्रसूतिशतैः आसन् रुद्राः परशुलाञ्चनाः सः दिव्यः हेतिराजस्य परशुः परिपातु वः अस पदच्छेद। एकादश रुद्र बताए जाते हैं। एकादश रुद्र 33 देवता गण में एकादश रुद्र हैं, द्वादश आदित्य हैं, ऐसा एकादश रुद्र 11 रुद्र हैं। उस 11 रुद्र में सब अपने आयुध के रूप से परशु को रखे हैं, जो भगवान बलराम जी दाऊ जी जो हाथ में धारण करते हैं उसे परशु कहते हैं। परशुराम जी जो हाथ में धारण करते हैं उसे परशु कहते हैं। ऑक्स जो अंग्रेज में बोलते हैं, जिसको हम इधर परशु शब्द से बताते हैं। यत् प्रसूति शतैः अर्थात रुद्राः यत् प्रसूति शतैः जिनसे उत्पन्न, जिस चक्रायुध भगवान से उत्पन्न अनेकानेक परशुओं का धारण करके, यानी परशुलांचनाः यत् प्रसूति शतैः रुद्राः परशुलांचनाः आसन्, जिनसे उत्पन्न अनेकानेक परशु से सब रुद्र अपने हाथ में एक एक परशु धारण कर लिए हैं। उस प्रकार के जो हेतिराज हैं, आयुधों का श्रेष्ठ सुदर्शन भगवान हैं, आयुधों के बीच में जो श्रेष्ठ चक्रायुध हैं, सहा दिव्यम सहा वो भगवान दिव्याः परशुः वः परिपातु, वो भगवान जो परशु में भी विराजमान हैं, परशु भी जिसका संकल्प रूपी एक आयुध है, संकल्प का अंश रूपी आयुध है, सहा दिव्यः परशुः सुदर्शन आयुवान, उन सुदर्शन भगवान के भगवान का जो परशु है वो वहा परिपातु, वो भी आपकी रक्षा करें, ऐसी परशु से प्रार्थना की गई है। ऐसा भगवान 16 आयुधों को हाथ में रखने वाले भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, या अथवा इन मेडिसिनों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि उसमें हम इसी में विश्वास रखते हैं, भगवान षोडशायुध धारण करने वाले हैं, और मानसिक रोगों को भी और आंतरिक रोगों को भी, अज्ञान को भी, सबको दूर करने में क्षमता रखते हैं। एक ही में सब हो जाता है तो हम एक एक के लिए एक एक थोड़ी गोली देते रहेंगे। हे लया हेति राजस्य यस्मिन् दैत्या समुद्धृते शकुन्ताइव धावन्ति शकुन्तः पालयेतवः। कितना सुंदर। हेलया हेतिराजेन यस्मिन् दैत्याः समुद्धृते शकुन्ताः इव धावन्ति सः कुन्तः पालयेत वः। जो भगवान के हाथ में बहुत तेजी से चलने वाले त्रिशूल जैसा एक आकार वाला जो आयुध है, और उसे तमिल भाषा में ईटी बोलते हैं, उसे इधर कुंतः शब्द से चक्रम कुंतम कृपाणम ऐसा श्लोक में, और 16 आयुधों का धारण करने वाले भगवान का एक कुंत भी एक है। चक्रम कुंतम कुंतम, कुंतः का मतलब है, कुंतः का मतलब वो तमिल भाषा में जो ईटी बोलते हैं, एकदम एकदम एक ही त्रिशूल में तो तीन रहेगा, इसमें एक रहेगा। और उन दिनों में हमारे सिपाही हाथ में रखते थे, उसे फेंकते थे, बहुत लंबा रहेगा वो, सामने वालों को के शरीर पर घातक बनेगा, और उसे ईटी बोलते हैं। आपको भी मालूम होगा उसको हिंदी में क्या नाम है। खेती राजेन यानी खेती यानी आयुध है, आयुधों का राजा खेती राजेन अर्थात चक्र आयुध भगवान से, चक्रायुध ही सब आयुधों का ईश्वर है। जिसमें भगवान हाथ में चक्रायुध का धारण करते हैं तो सब लोगों को वशीकरण कर लेते हैं, अथवा शत्रुओं को विनाश कर देते हैं, प्रयोग करते हैं तो बस उस चक्रायुध खेती राजेन यस्मिन ने जिस कुंत को हेलया समुद्र ते सती, यानी
ऐसे ही मजाक से ही ले लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, वो कोई इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अस्त्र अलग है शस्त्र अलग है। अस्त्र में तो क्या है, मंत्र से प्रयोग होता है, भगवान के तो संकल्प से ही प्रयोग हो जाता है, भगवान को मंत्र बोलने की भी जरूरत नहीं है, सब मंत्रों के अधिष्ठात्री देवता स्वयं भगवान श्री विष्णु है। तो ये हेलया समुद्र से जैसे ही मजाक से भी उसे उठा लेते हैं तो क्या होता है, दैत्या शकुंता एव धारण, वो यार हाथ में धारण कर लिए अभी तो हम मर गए, ऐसा समझकर वहां से दैत्य लोग पक्षी जैसे उड़ के जाएगा डर के मारे, उस प्रकार शकुंता इव धावंती, कौन दैत्य लोग दौड़ते हैं, अरे यार अभी तो मर गया मैं, अभी तो मेरा अंत हो गया, ऐसा समझ कर धावन करते हैं। सहा कुंतहा वहा पालयेत, वो भगवान के हाथ में रहने वाला कुंत रूपी जो आयुध है वो हमें रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना इसमें किया गया है। हेलया हेतिराजेन यस्मिन दैत्या यस्मिन दैत्या समुद्रते यस्मिन समुद्रते हेतिराजेन यस्मिन हेलया समुद्रते सती दैत्या शकुंता इव धावंती सहा कुंतहा वहा पालयेत, आपकी रक्षा करें। दैत्य दानव मुख्यानाम दंड्यानाम येन दंडनम हेति दंडेश दंडोसौ भवताम दंडये द्विषः। दैत्य दानव मुख्यानाम दंड्यानाम येन दंडनम हेति हेति दंडेश दंडोसौ भवताम दंडये द्विषः। बहुत, क्योंकि हमारे लिए शत्रुओं की कोई कमी नहीं होती है, कमी हमारे लिए बाह्य शत्रुओं से ज्यादा हम ही हमारे लिए शत्रु बन के रहते हैं, ज्यादातर हमारे ही गुण हमारे लिए हमें सताते हैं, और बाहर की जो शत्रु लोगों को समझते हैं उसका कारण भी हमारा अंतर अंतर अंदर अंदर रहने वाला क्वालिटी ही है, हमारे क्वालिटी ही हम लोगों को शत्रुओं को ला खड़ा कर देता है। वस्तुतः कोई न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपु व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा, ऐसा एक नीति श्लोक बताता है। और वस्तुतः कोई किसी के लिए मित्र भी नहीं होता है, कोई किसी के लिए शत्रु भी नहीं होता है, परंतु हम अपने व्यवहार से एक व्यक्ति को शत्रु भी बना देते हैं और मित्र भी बना देते हैं। सो व्यवहार ही मुख्य है, हमारा अंतः शत्रु हमारा ही स्वभाव है, इसलिए हमारे शत्रुओं से हम मुक्त करना मुक्त होना चाहते हैं तो हम अपने ऊपर ही विजय पाना है, अपने गुणों के ऊपर विजय पाना जरूरी है, तब ऑटोमेटिकली शत्रु सब खत्म हो जाएंगे। दैत्य दानव मुख्यानाम, दैत्य एवं दानव दोनों में फर्क है, दिति से उत्पन्न दैत्य है, धनु से उत्पन्न दानव है, ऐसे दोनों में विभाग है। इस असुर असुर लोगों में भी बहुत सारे प्रकार है, और अभी भी तो असुरों के अनेक प्रकार दिखाई देता है। दैत्य और दानव मुख्यानाम इनसे लेकर बहुत सारे लोग हैं ना, अनेक प्रकार हैं। दैत्य दानव ये दोनों मुख्य हैं, बाकी सब एंडलेस हैं, मतलब इत्यादि लोगों का है समझ। दैत्य दानव हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, स्पष्ट हो जाता है कौन दैत्य है, क्योंकि दूसरों का सुख को बिगाड़ने के लिए दूसरी देवी देवताओं को निंदन करने वाले, यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी, वो सब ऐसे करने वाले मानव थोड़ी हो सकते हैं। इसलिए दंड्यानाम वो सब दंड्य है, दंड 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 पाने के लिए योग्य है। दंड्यानाम दैत्य दानव मुख्यानाम येन दंडनम, जिससे ही दंडन होता है, ऐसे असौ हेति दंडेश दंडोसौ हेति दंडेश, दंड दंड हाथ में रखने वाला दंड के लिए जो भीष जो भगवान सुदर्शन भगवान है वो दंड नामक जो आयुध है, भवताम द्विषः दंडयेत, आपके जो शत्रुओं के लिए शत्रुओं को, आप अगर आप ही आपके शत्रुओं शत्रु हैं तो आपको भी दंडन करके, और आपके शत्रु बाहर है तो उनको भी दंडन करके दंड करके उनको ठीक करें, ऐसी प्रार्थना इसमें की गई है। दैत्य दानव मुख्यानाम दंड्यानाम येन दंडनम एति दंडेश दंडोसौ भवताम दंडयेद् रिपुः। अनन्यान्वय भक्तानां रुन्धन्नाशा मतंगजान अनंकुश विहारो वहा पातु हेति ईश्वरं कुशः। अनन्यान्वय भक्तानां रुन्धन् आशा मतंगजान
अनंकुशविहारहा सहा पातु खेतीश्वरांकुशहा। बहुत सुंदर शब्द अंकुश। ये अंकुश तो आपको मालूम है, हाथी को संभालने के लिए जो माहौत रखता है उसे हम अंकुश शब्द से बताते हैं। अनन्यान्वय भक्तानाम, तो और देवी देवताओं को पूजन करके बिना भगवान विष्णु के ही जो भक्त होते हैं, अनन्यान्वय भक्ताहा, अन्य अन्वय भक्ताहा, अनन्यान्वय भक्ताहा, और अर्थात अनन्य संबंध होना चाहिए, अन्य संबंध नहीं होना चाहिए, देवतांत्र संबंध के बिना जो भगवान से ही भक्त रहते हैं, ऐसे आशामतंग ऐसे भक्तों के लिए जो आशामतंग जान वृंदन, आशा अपनी आशा रूपी, आशा का मतलब दो अर्थ है, आशा यानी दिशा भी है, दिग्गज ऐसा एक मतलब है, दूसरी हमारी इच्छाएं ही तो हमारे विरोधी हैं, हम इच्छा बहुत करते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, वो पाना है ये पाना है, इसलिए आशा मतंग जान आशा रूपी जो हाथियों को रुंधन उसे उसे रोकने के लिए, यानी अपने आशा इच्छा दौड़ती रहती है, ये पाना है वो पाना है, ऐसी इच्छाओं को बंद करके उसको रोक, उसमें रोक लगाकर अनंकुश विहार, यानी जो भगवान स्वयं अनंकुश विहार है, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है, वो दूसरों की आशा को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ में अंकुश को धारण करते हैं, परंतु उसको कौन कंट्रोल करेगा, वो नहीं कंट्रोल हो पाएंगे, इसलिए वो कंट्रोल खुद के ऊपर कंट्रोल पाके बिना दूसरों का दूसरों की आशा रूपी आशा रूपी हाथियों को कंट्रोल कर दें, ऐसी प्रार्थना। हेतीश्वर अंकुश, ऐसे चक्रायुध भगवान के हाथ में रहने वाला जो अंकुश है वह पाती, हमारी आशा मतंगजान रुंदन पाती, हमारी इच्छा रूपी हाथियों को रोक कर, हाथी को कंट्रोल करना मुश्किल है, हमारी इच्छाओं को भी कंट्रोल करना मुश्किल है, वो दूसरों के घर में कुछ नई चीज आई है तो हमारे हमारे घर में भी आना चाहिए, ऐसी छोटी मोटी इच्छाएं जो रखते हैं उन आशा मतंगजान रुंधन ने उसे रोक कर, उसके ऊपर रोक लगाकर भगवान के हाथ में रहने वाला, सुदर्शन भगवान के हाथ में रहने वाला जो उनकी इच्छा रूपी अर्थात संकल्प संकल्प का एक अंश मात्र के रूप से विराजमान जो अंकुश रूपी जो आयुध है वो हाँ रक्षा करें, हमें रक्षा करें, क्योंकि हमारी इच्छा कंट्रोल्ड हो जाएगी तो हमें रक्षा करना बहुत आसानी हो जाएगा। संभूय शलभायन्ते यत्र पापानि देहिनां सपातु शतवक्त्राग्नि हेतिर् हेतीश्वरस्य वहाम्। शतवक्त्राग्नि हेति ही सा अग्नि भी एक आयुध है भगवान के हाथ में रहने वाला, जिस आयुध यानी संभूय शलभायन्ते यत्र देहिनां सह पातु शतवक्त्राग्नि हेति ही हेतीश्वरस्य वह, ऐसा पदच्छेद है, अर्थात हम ज्यादा ना ज्यादा तकलीफ जिसकी वजह से पाते हैं अपने ही कर्मों की वजह से पाते हैं, बाह्य शत्रु शत्रु हमारे लिए है तो भी उसका भी कारण हमारा ही पाप है। संभूय शल यत्र देहिनाम पापानी, जिस आयुध के सामने सभी चेतनों का पाप सब संभूय एकत्रित होकर एक जगह पे होकर संभूय शलभायन्ते मिलकर एक ही जगह पे एक शलभ करके एक छोटा सा कीड़ा है जो विवाह प्रकट करते हैं तो उसके इर्द गिर्द घूमता है तो आखिर उसी में आकर गिर के मर जाता है, उसे कहते हैं शलभ। यानी शलभ क्या है, और सब लोगों को भगवान अग्नि को दिए हैं, अग्नि तत्व को मनुष्य मानव बराबर उपयोग करता है परंतु शलभ को उपयोग करना नहीं आता है, उसी में जाकर ये क्या है आश्चर्य की चीज है, ऐसा उसे और कोई फूल या क्या है समझकर अंदर चला जाता है उसे, परंतु मर जाता है। इस प्रकार संभूय शलभायन्ते यत्र देहिनाम पापानि, जहाँ मनुष्यों का पाप, देही यानी मनुष्य है, देह जिसका जिसके पास देह है वो देही है, देहिनाम पापानि पापों को पापा पाप सब यत्र संभूय शलभायन्ते जिस अग्नि में गिरकर शलभ जैसे मर जाते हैं सह शतवक्त्राग्नि हेति ही, यानी सौ मुख वाला जो भगवान का
अग्निरूपी जो आयुध है, हेति है, जो हेतीश्वर है उनका, अर्थात हेतीश्वर, हेति पुंगव, हेतीश्वर, ये सब नाम है हेतीश्वर का, भगवान चक्रायुध का, चक्रायुधारी का, ये जो शतवक्त्राग्नि ही अग्निरूपी जो आयुध है वो सहा पातु, हम लोगों की रक्षा करें, हमारे पाप नष्ट हो जाए तो हम रक्षित हो जाएंगे। अविद्याम स्वप्रकाशेन विद्या रूपश्चिनत्यः स्वसुदर्शन निस्त्रिंशः सौतुवस्तत्वदर्शनम्। बाद में हम लोगों को ज्ञान चाहिए, अगर हमारे पाप नष्ट भी हो जाए तो भी हमारे पास कुछ अच्छा ज्ञान तो चाहिए, उसके लिए सद्गुरु चाहिए। अब सद्गुरु नहीं मिले, सद ज्ञान ना मिले तो कैसे हमें मोक्ष प्राप्ति होगी, नहीं होगी। इसलिए अविद्या को अपने ही प्रकाश से विद्यारूपी होकर जो अविद्या को छेदन करते हैं वो सुदर्शन निस्त्रिंशः, वो सुदर्शन रूपी जो निस्त्रिंशः, निस्त्रिंशः का मतलब है हथौड़ी है, जो हथौड़ी है वह तत्वदर्शनम सौतु, वो तत्वदर्शन को हमें प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना हथौड़ी से, भगवान के हाथ में रहने वाला हथौड़ी से की गई है। इसे कहते हैं हथौड़ी नहीं है, तलवार है, तलवार, उसे कहते हैं तलवार को। इधर विद्यारूप चिनती, छेदन, छेदन करने के लिए तो हमें चाहिए तलवार चाहिए, इसलिए तलवार को इधर प्रार्थना की गई है। अविद्याम स्वप्रकाशेन विद्यारूपश्चिनत्यः, विद्यारूपी भगवान स्वयं अविद्या को जिस तलवार से काटते हैं वो सुदर्शन निस्त्रिंशः, वो सुदर्शन भगवान के हाथ में रहने वाला निस्त्रिंशः यानी तलवार है, खड्ग है, तत्वदर्शनम वहा सौतु, आप सबके लिए तत्वदर्शन प्रदान करें यानी तत्व ज्ञान प्रदान करें। दर्शन यानी क्या है, दृष्टि, यानी सही दृष्टि प्रदान करें का मतलब हम तत्वों को बराबर समझने के लिए योग्य अलौकिक दृष्टि प्रदान करें, ऐसा मतलब है। क्रिया शक्ति गुणो विष्णु हो यो भवत्यति शक्तिमान अकुंठ शक्ति ही सा शक्ति ही अशक्ति वारये तवः। क्रिया शक्ति गुण, ये हम भले अविद्या तो दूर हो गई, ज्ञान आ गई, ज्ञान रखकर क्या करें, काम करने के लिए क्षमता नहीं है कि जहाँ एक ही जगह पे बैठा है, ज्ञान भले है तो उससे क्या काम ले सकते हैं, कुछ नहीं, ज्ञान रहने से प्रयोजन नहीं होता है, ज्ञान दूसरों के लिए बांटने से ही अथवा दूसरों के लिए हम क्रियान्वित करें तब जाकर वो दूसरों को फल प्रदान करता है, नहीं तो ज्ञान अस्तित्व से, ज्ञान के अस्तित्व से कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है, भले बहुत पढ़ के पढ़ा लिखा होकर बेटा आया और परंतु कुछ काम नहीं करता है, मैं तो पढ़ा हूँ बस, मैं चाहिए। अति शक्तिमान जो भगवान है, अत्यंत शक्तिमान जो भगवान है, भवती अति शक्तिमान विष्णु हो यह, अत्यंत शक्तिमान विष्णु का जो क्रिया शक्ति रूपी जो गुण है वो अकुंठ शक्ति ही, वो कभी भी कम नहीं हो सकता है, जिसको हम कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, ऐसा अकुंठ शक्ति ही सा शक्ति ही, वो भगवान के हाथ में रहने वाला जो वेल रूपी आयुध है, अर्थात वेल जो इसे प्रसिद्धि के लिए बताता हूँ, यानी जो अपने हाथ में दक्षिण में प्रसिद्ध जो सुब्रह्मण्य जी हाथ में रखते हैं वेल, सा शक्ति ही वह अशक्ति बारयेत है, जो भगवान के हाथ में है वही बाकी देवताएं भी धारण करते हैं, भगवान के हाथ में जो नहीं है वो किनके, किसी देवताओं के हाथ में कैसे रहेगा, सब भगवान धारण करते हैं। वह अशक्ति बारयेत, आपकी अशक्ति को दूर करें, वो शक्ति रूपी जो शक्ति उसे जो सुब्रह्मण्य जी के हाथ में रहने वाला उसे क्या कहते हैं, उसे शक्ति शब्द से कहते हैं, वो अशक्ति का वारण करें। हमारे पास अशक्ति तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, मौढ़ आ जाता है और क्रियान्वित कर नहीं सके, ऐसा कुछ भी है, रोटी वहां पड़ा है परंतु यहाँ से खड़ा होगा तो खाएगा पिएगा, परंतु यहाँ से वहां जाने के लिए भी उसके पास क्षमता नहीं है तो वो क्या काम करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत सारे लोगों में मौढ़ है अथवा एक एक प्रकार की तमोगुण, तमोगुण है, भरा हुआ है शरीर में,
सब हाथ में चाहिए। कई लोग ऐसे हैं हर घर पे, एक तो कभी कभी रह जाता है कि नहीं तो कम से कम तो 100 में एक आदमी तो रह जाता है, सब हाथ में धारण कर देना पड़ता है। तो ऐसे क्रिया शक्ति हीन व्यक्ति से कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए क्रिया शक्ति को भगवान तो आप सबके लिए प्रदान करें। और तारत्वम यस्य संस्थाने शब्दे च परिदृश्यते प्रभो प्रहरणेन्द्रस्य पांचजन्य सपातु वहा, हाथ में रहने वाला शंख पांचजन्य जिसका नाम है, और यस्य संस्थानी यस्य जिसकी शेप में शब्द में दोनों में और वो प्रणव का आकार जैसा ही आकार है, प्रणव का आकार जैसे ही आकार शंख का भी आकार है, और शंख का शब्द भी प्रणव के आवाज प्रणव जैसा ही ओम ऐसे ही होता है। इसलिए यस्य संस्थाने शब्दे च, कितना सावधान देखते हैं वेदांत ऋषि जी, देखिए जिसके आकार प्रकार में भी और जिसके आवाज में भी प्रणव का स्वरूप दिखाई देता है। तारत्वम, तार शब्द का मतलब है तारक मंत्र बोलते हैं ना, तारक मंत्र बोलते हैं जिसे प्रणव को बोलते हैं। तारत्वम परिदृश्यते, यानी इसका दूसरा भी मतलब है शब्द में भी ऊंचा आवाज है, जिसकी आवाज ऊंचा है तो तार शब्द बोल, तार शब्द बोल, लघु तार शब्द बोल, और वो भी ऐसा है और उसका आकार भी प्रणव का आकार जैसा है। इसलिए प्रहरणेन्द्रस्य प्रभो, आयुधों का प्रहरण यानी दूसरों को हरण करने वाले, दूसरों को हनन करने वाले जो प्रहरणेन्द्र है ये चक्रायुध है उसका प्रभो हो, चक्रायुधारी भगवान का जो पांचजन्य भी जो हाथ में धारण करते हैं, 16 हाथों से एक में एक हाथ से पांचजन्य, वो पांचजन्य हमारी रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना है। षोडशायुध स्तोत्र में 11वां श्लोक है। यम सात्विकमहंकारम अमनंत्यक्षसायकम् अव्यात् वश्चक्ररूपस्य तद्धनुः शार्ङ्गधन्वनः। सब अनुष्टुप छंदस में सिंपल श्लोक है, कोई भी भक्त आसानी से बोल सके ऐसी रचना है। यम सात्विकमहंकारम् तो अक्षसायकम्, ये इंद्रियो इंद्रिय रूपी जो बाण है, अक्षसायकम् अक्षों को बाण के रूप से रखने वाला जिस सात्विक अहंकार को, सात्विक अहंकार राजसाहंकार तामसाहंकार ऐसा अहंकार त्रिविध है, ये अहंकार तत्व प्रकृति परिणाम रूपी है, ये जो इंद्रियों का भी उत्पादन करता है। वस्तुतः ये एकादश इंद्री जो है वो सात्विक अहंकार से उत्पन्न होता है, ऐसा हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। अतः सात्विक अहंकाराद एकादश इंद्रियाणि, तामस अहंकारात् पंचभूतानि, राजसाहंकार उभयानुग्राहकः, दोनों को मदद करता है। सात्विक अहंकार को एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति के लिए एवं तामस अहंकार के लिए को पंचभूतों को उत्पत्ति करने के लिए राजस अहंकार दोनों को मदद करता है। वस्तुतः सात्विक अहंकार ही एकादश इंद्रिय है, और उस अहंकार के को रूप के रूप से जिस अक्षसायक इंद्रिय रूपी जो बाण है उसे कहते हैं चक्र रूपस्य शार्ङ्गधन्वनः तद्धनुः। ऐसे जो बाणों वाली इंद्रिय रूपी जो बाणों वाली चक्र रूपस्य चक्रराज भगवान अर्थात चक्रायुध भगवान अर्थात सुदर्शन भगवान का शार्ङ्गधन्वनः चक्र रूपस्य, चक्र रूप में विराजमान चक्र के अंदर चक्र मध्यवर्ती चक्रांतरवर्ती ऐसे ही प्रयोग करते हैं, चक्रांतरवर्ती मृत्यु प्रतिभयम उभयाकार चित्रम पवित्रम तेजः, ऐसा अर्थात चक्र रूपस्य शार्ङ्गधन्वनः सारंगम, ऐसे जो बाण को हाथ में धारण करने वाला तद्धनु उसका जो धनुष है वो अव्यात हम सबको रक्षण करें। अर्थात सात्विक अहंकार को शार्ङ्ग और इंद्रियों को उससे निकलने वाला बाण के रूप से जो बड़े लोग वर्णन करते हैं वो चक्रराज भगवान का हके हाथ में विराजमान वो धनुष जो है बाण सहित वो हमें रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना धनुष और बाण दोनों के प्रति किया गया है। दोनों मिलकर तो एक ही आयुध है, धनुष बाण, धनुष को छोड़कर बाण क्या काम का, बाण को छोड़कर धनुष क्या काम का, इसलिए धनुष बाण दोनों मिलकर एक आयुध होने की वजह से दोनों को किस किस रूप से मानते हैं
अरे नहीं, जो अक्ष इंद्रियों को इंद्रियों को बाण के रूप से और सात्विक अहंकार को बाण के रूप से जो मानते हैं वो, ऐसा मतलब है। सात्विक अहंकार जो रूपी जो बाण है वो शार्ङ्गगदा तो धनुष के रूप से हाथ में धारण करने वाले जो उसमें जो धनुष है वो शार्ङ्गदन्वनः धनुः तद्धनुः, जो बाणों को बाणों के रूप से इंद्रियों को प्राप्त किया है वो अव्यास हमें रक्षण करें, ऐसी प्रार्थना। आयुधेन्द्रेण ये नैव विश्व सर्गो विरच्यते तव सौदर्शनः कुर्यात् पाशः पाश विमोचनम्। आयुधेन्द्रेण येन एव विश्व सर्गः विरच्यते, जिस इंद्रिय से ही विश्व की जिस आयुधेन्द्र से, आयुध श्रेष्ठ से, इंद्रिय नहीं, आयुध इंद्र से, आयुध रूपी जो आयुधों के राजा है आयुधेन्द्रेण, आयुधों में श्रेष्ठ जो अर्थात पाश जो है, आयुधेन्द्रेण ये नहीं विश्व सर्गः विरच्यते, ये संपूर्ण विश्व की सृष्टि की जाती है। सः सुदर्शनः, वो सुदर्शन भगवान के हाथ में रहने वाला जो पाश रूपी आयुध है अर्थात वो पाश विमोचनम कुर्यात्, हमारा जो कर्म रूपी संसार जो रस्सी है वो रस्सी को ही पाश शब्द से कहते हैं। सहा पाशा, पाशा यानी रज्जु, वो रज्जु भी एक आयुध है जिससे ही विश्व रचना की जाती है। पाश विमोचनम कुर्यात्, वो हमें संसार बंधन से विमुक्त करें, हम भी संसार रूपी इस दुनिया में, हम भी संसार में रस्सी से तो बद्ध हैं जैसा कर्मों से बद्ध हैं, इसलिए हमें वो उसमें से निकाल दें, ऐसी प्रार्थना पाश से किया गया है, पाश रूपी आयुध से किया गया है। बिहारो येन देवस्य विश्वक्षेत्र कृषीवलः विद्यते तेन सीरेण नासीर विजयोस्तु वहा। बिहार येन देवस्य विश्वक्षेत्र कृषीवलः विद्यते तेन सीरेण नासीर विजयः अस्तु वहा। हमारे लिए, हमारे देश के लिए और युद्ध में जीत पाना है, ऐसी प्रार्थना। और हम हमारे देश के भट लोग अर्थात सोल्जर युद्ध में जीत पाए, ऐसी प्रार्थना इसमें इससे किया गया है। कौन से आयुध से प्रार्थना किया गया है वो भी देखेंगे। ये ना जिस आयुध से ये विश्व क्षेत्र कृषि वाला, तो सुदर्शन भगवान का विश्व क्षेत्र बोले ये संपूर्ण विश्व ही एक क्षेत्र है, तो उसका कृषिवल, उसका जो खेडूत अर्थात उसका जो किसान है उनका विहार, उनका है वो बाहर प्रकट होता हो, अर्थात भगवान की ही ये रचना है, भगवान ही इसका रक्षण करते हैं। ये लीला कैसे मालूम होता है कि ये संपूर्ण दुनिया एक क्षेत्र है, तो खेत है, तो उसमें कृषिवल अर्थात उसमें किसान कौन है, भगवान है। तेन सीरेण, जो जिस आयुध से उसका कृषिवल तो साबित होता है, हाथ में बलराम जी जिसे धारण, अरे बलराम जी जिसे धारण करते हैं हल, वो हल जो है नासीर उसका दूसरा नाम है। तेन सीरेण, सीर ऐसा उसका नाम है, सीर कृष्टाम, सीता जी जो जहां से आई भूमि, तीरकृष्ट भूमि से अर्थात तीर से कृष्ट अर्थात प्लो किया गया है, अर्थात वो तीर यानी हल है, हल चलाने के बाद सीता जी बाहर निकली, इसलिए तेन सीरेन वहा नासीर विजयः। सीरेन नासीर ऐसा अलिटरेशन यानी मेंटेन करते हैं, तीरेन वहा नासीर विजयः, नासीर यानी युद्ध, युद्ध में अग्र में विजय हम लोगों को होना चाहिए, ऐसी प्रार्थना। विहारो येन देवस्य विश्वक्षेत्र कृषीवलः व्यज्यते येन देवस्य विश्वक्षेत्र कृषीवलः संहारः अदा विहारः व्यज्यते तेन तीरेण वहा नासीद विजयः अस्तु। अर्थात जिस आयुध से भगवान का कृषीवलत्व साबित होता है वो ही है, वो सिर हाथ में रखने वाला जो हल है उसे चलाने से ही उससे उससे नासीर विजय, अर्थात इससे क्या है, स्पष्ट है कि
तो कृषि बल जहां संतुष्ट है वहां ही युद्ध में भी हम जीत पा सकते हैं, नहीं तो युद्ध में लोगों को खाने के लिए, भटों को खाने के लिए अन्न देने वाला कृषि बल है। इसलिए कृषि बल का सौख्य ही युद्ध में भी जीत दिला सकती है, ऐसी भावना उस समय में श्रीराम जयसिंह जी से प्रकट की गई है। आधुनिक संदर्भ में भी वो बहुत बहुत ही सही सटीक साबित होता है। आयुधानामहं वज्रम इत्यगीयतयस्तवः अव्याद्येति शवज्रोऽसौ अदधीच्यस्ति संभवः। क्या बात है, दधीचि की अस्थि से एक आयुध हुआ वज्रायुध, जिसे इंद्र धारण करते हैं। इसके अलावा भी एक वज्रायुध है जो भगवान धारण करते हैं। आयुधानामहं वज्रम, आयुधों के बीच में मैं वज्रायुध हूँ, ऐसा जिसे भगवान वज्रायुध के बारे में बताए हैं, वो जो इंद्र के हाथ में है वो नहीं है। इत्यगीयतया गीता में प्रकट किए हैं, यहाँ सहा वहा जिस आयुध के बारे में वहां उल्लेख किए हैं, आयुधानामहं वज्रम, वो आयुध हेतीश वज्रोसौ, हेतीश भगवान, केति राज अर्थात सुदर्शन भगवान का ये अदधीच्य अस्थि संभव, दधीचि महर्षि के अस्थि से अर्थात उनके अस्थि यानी बोन से, न उत्पन्न अनुत्पन्न अदधीच्य अस्थि संभव, दधीच्य अस्थि संभव यानी दधीचि की अस्थि से उत्पन्न हुई, हड्डी से उत्पन्न हुई, ये दधीचि की हड्डी से उत्पन्न न हुई, इसलिए अदधीच्य अस्थि संभव, भगवान आत्म धारण करने वाला जो वज्रायुध वो इंद्र के वज्रायुध से भिन्न है, वो अव्यात हमें रक्षा करें। यहाँ अहम आयुधानाम वज्रम इति अगीयत है विच्छवन, यानी जिसे भगवान आयुधानाम अहम वज्रम ऐसा स्तोत्र किए, वो अदधीच्य अस्थि संभव, दधीचि की अस्थि से अनुत्पन्न हेतीश वज्र, हेतीश भगवान के अर्थात चक्रायुध भगवान के हाथ में रहने वाला वज्र वहा अव्यात आप सबको रक्षा करें। विश्व संहृति शक्तिरिया विश्रुता बुद्धि रूपिणी तब सौदर्शनी भूयात गद प्रशमनी गदा। विश्व संहृति शक्ति ही या विश्रुता बुद्धि रूपिणी सा वह सौदर्शनी भूयात गद प्रशमनी गदा। भगवान के हाथ में रहने वाला गदा जिसे बुद्धि का प्रतीक मानते हैं, अर्थात प्रकृति महत अहंकारम ऐसे तत्वों के बीच में जो महत तत्व के रूप में जिसे गदा, जिस गदा को हम जानते हैं वो बुद्धि रूपिणी महत तत्व का स्वरूप धारण करने वाला जो विश्व संहृति शक्ति ही संपूर्ण दुनिया को और बाद में प्रलय के समय में नष्ट करने वाले वाला तत्व के रूप से जिसकी प्रसिद्धि है, वो सौदर्शनी सुदर्शन भगवान के हाथ में रहने वाला जो गदा है वो आ, आ, वो आ, ते अगप प्रशमनी भूयात गद प्रशमनी भूयात, आपकी गदा मीन्स विष रोग, विष से जो रोग फैलता है जैसे कोरोना जैसे, उससे आपको मुक्त करें, ऐसी प्रार्थना की गई है इसमें। अर्थात ये तिरुपुकुड़ी में रहने वाले लोगों में जो इस प्रकार के जो उस समय में जो व्याधि फैली थी उसे रोकने के लिए ही तो ये प्रार्थना है। इसलिए गद प्रशमनी भूयात गदा, गदा गद प्रशमनी भूयात, गदा भगवान के हाथ में रहने वाला एक बड़ा आयुध है जिसे हनुमान जी भी धारण करते हैं, यानी उसका दूसरा नाम हो सकता है परंतु गदा भगवान के हाथ में रहने वाला, शंख चक्र गदा पद्म ऐसा बोलते हैं। यात्यतिक्षोदशालित्वं मुसलो येन तेन वहा हेतीश मुसलेनाशु विद्यतां मोहमौसलम्। अर्थात यास्यति या याति 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 अतिक्षोदशालित्वं मुसलः येन तेन वह हेतीश मुसलेन आशु विद्यताम। जो हमारे लिए अज्ञान की वजह से उत्पन्न एक बहुत बड़ा जो सच में तो अज्ञान की वजह से जो हमारे लिए तकलीफ होती है उसमें ज्यादा तकलीफ किसी से नहीं होने वाला है। अगर ज्ञान नहीं है तो आदमी कितना तकलीफ में आएगा, परंतु जीना तो ऐसे भी करके सीख जाएगा, सेवा वृत्ति हो या कोई भी वृत्ति हो करके जीत तो लेगा, परंतु ज्ञान नहीं है तो कितना तकलीफ है। इसलिए अज्ञान की वजह से उत्पन्न एक जो भयंकर व्याधि है वो आशुविद्यताम, वो
जल्दी ही दूर हो जाए। इससे हेतीश मुसलेन है, उनके हाथ में रहने वाला जो मुसल आयुध है जिससे ढांगर को और उसमें पत्थर में डालकर ऐसे हाथ से उसका ऊपर का छिलका निकालने के लिए उपयोग करते हैं, दंडाकार एक मुसल बोलते हैं उसे। ऐसे कभी बारिश होती है तो मूसलाधार बारिश हुई बोलते हैं। मूसलाधार बारिश यानी क्या है, जैसे मुसल के जितना बड़ा बड़ा बूंदे मुसल जैसा ऊपर से गिर रहा है, ऐसे अभिव्यक्ति वहां हिंदी में करते हैं मूसलाधार करके। अरे बारिश कैसे हुई यार, अंग्रेजी वाले कहते हैं कैट्स एंड रैट्स, इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स बोलते हैं, यानी कैट डॉग साइज में वहां से बारिश हुई है एकदम। ऐसा मतलब हो या नहीं मालूम है मुझे, कैट्स एंड डॉग्स बोलते हैं यहाँ के लोग, तो मूसलाधार बारिश हुई बोलते हैं वो मुसल। ये ना यानी मुसलहा आति क्षोधशालित्वम याति, जिसकी वजह से बाकी सब मुसल बहुत ही कमजोर माना जाता है, तो वो यानी भगवान के हाथ में रहने वाला मुसल इससे भी बहुत बड़ा है, जिसकी तुलना में बाकी सब दुनिया में रहने वाला मुसल जिसको पकड़ने मनुष्यों को पकड़ने के लिए बनाया है, जिसको भगवान को पकड़ने के लिए बनाया है, उससे तो ये बहुत ही छोटा रहेगा ना, ये तो लकड़ी जैसी हालत में रहेगी। वो वस्तुतः मुसल यानी भगवान के हाथ में रहने वाला बड़ा मुसल है। हेतीश मुसलहा, सुदर्शन भगवान का मुसल, वहा मोह मौसलम आशु विद्यता, यानी हमारा मोह तो हमारा अज्ञान तो बहुत बड़ा है, ये छोटा दुनिया में रहने वाला मुसल से उसका क्या होगा, ऐसे भक्तों की शंका हृदय में हो सकती है, क्योंकि हमारा अज्ञान तो बहुत बड़ा है, उसे कैसे ये छोटा सा मुसल ठीक कर देगा। अरे भगवान के हाथ में रहने वाला मुसल अलग है, वो अज्ञान को दूर कर सकता है, ऐसी यानी अभिव्यक्ति है। मोह मौसलम आशु विद्यताम, यानी उतना बड़ा मुसल है तो जल्दी ही वो भिन्न हो जाएगा, अर्थात वो आदमी अज्ञान से मुक्त हो जाएगा। वो अज्ञान से मुक्ति तो जरूरी है, यानी अज्ञान हो तो कोरोना है तो भी, और कितना ज्ञान हो तो उससे दूर हो सकते हैं। कोरोना भले आ जाए शारीरिक है, परंतु उसको भी कैसे दूर करना है, ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तदा, ज्ञान तो चाहिए न, इच्छित्वा ज्ञानासीनात्मनः, ज्ञान रूपी असी से अज्ञान को दूर करके, ऐसी वाणियां जब हुई है तब तो अज्ञान को दूर करना अत्यावश्यक है। उस अज्ञान को दूर करने के लिए मुसल से प्रार्थना की गई है। शूलि दृष्ट मनोर्वाच्यहम ये न शूलयति द्विषः नयतां तेन भवतात्। इसमें स्पष्टता नहीं है, भवतां तेन भवतात् त्रिशूलेन विशूलताम् शूलिदृष्टमनोर्वाच्यहम् येन शूलयति द्विषहाम् भवतां तेन भवतात् त्रिशूलेन विशूलताम्। शूल त्रिशूल जो आप सब जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, तो त्रिशूल है ही थी। शूलिदृष्टमनोर्वाच्यः, शूली भगवान शिवजी से, शूलः अस्य अस्ति इति शूली, शूल जिसके हाथ में है उसे शूली कहते हैं और शूलिनी कहते हैं अम्बा जी को, इसलिए शूली यानी शिवजी हैं। शिवजी से दृष्ट मनोर्वाच्यः, उनसे जिन मंत्र का अन्वेषण हुआ है उसका जो मतलब रूपी जो शूल है वो भगवान सुदर्शन भगवान के हाथ में भी है, वो जिसकी वजह से द्विषहा शूलयति, जिससे चक्रायत भगवान अर्थात चक्रधारी भगवान विष्णु बाकी शत्रुओं को तकलीफ देते हैं, तेन त्रिशूलेन उस त्रिशूल से, भवताम विशूलता भवता, आपका विशूलता यानी आपके शूल या मतलब है, और एक मतलब है व्याधि है, उससे विशूलता भवता, शूल रहित स्थिति बनी, ऐसी प्रार्थना है। शूलि दृष्ट मनोर्वाच्यः येन शूलयति द्विषः भवतां तेन भवतात् विशूलेन विशूलताम्। अस्त्रग्रामस्य कृत्स्नस्य प्रसूतिं यं प्रचक्षते तो व्यात् सुदर्शनो विश्वम् आयुधैः षोडशायुधः। अस्त्रग्रामस्य
कृष्णस्य प्रसूतिं यं धचक्षते सः अव्यात् सुदर्शनः विश्वं आयुधैः षोडशायुधः। सभी अस्त्र समूहों का, अस्त्र ग्राम शब्द से अस्त्रों का जो ये ग्रुप है, ये 16 आयुध है अस्त्र ग्राम से। अभी तक पहला श्लोक तो इंट्रोडक्शन हुआ, बाद में 17वां श्लोक तक 16 आयुधों का वर्णन हो चुका है अभी। और इन दोनों श्लोकों से जनरल प्रार्थना की जाती है सभी अस्त्रों का, सभी कृष्ण से अस्त्र ग्राम से जो उत्पत्ति स्थान है वो सुदर्शन भगवान है, वो विश्वम इस दुनिया को अपने 16 आयुधों से रक्षण करें, ऐसी प्रार्थना सामूहिक रूप से किया जाता है। यानी कृष्ण से अस्त्र ग्राम से यम प्रसूति प्रचक्षते षोडशायुध सह सुदर्शन आयुध विश्वम अव्याद, आयुधों से विश्व को रक्षा करें। श्रीमद्वेंकटनाथेन श्रेयसे भूयसे सताम कृतेयमायुधेन्द्रस्य षोडशायुध संस्तुति। श्रीमद्वेंकटनाथेन, वेंकटनाथ भगवान अर्थात वेदांत देशिक जी से, सताम श्रेयसे भूयसे, सताम भूयसे श्रेयसे, अच्छे लोगों का जो अत्यधिक श्रेयस अर्थात सुख हेतु, कृतेयम आयुधेन्द्रस्य आयुधेन्द्र भगवान सुदर्शन भगवान का षोडशायुध संस्तुति, षोडश आयुधों की स्तुति कृता ये की गई है, ऐसी ऐसा वेदांत देशिक जी अपना कर्तृत्व को बताते हुए और ये षोडशायुध स्तोत्र को हम लोगों को लोकार्पण कर रहे हैं। श्रीमद वेंकटनाथेन श्रेयसे भूयसे सताम कृतेयम आयुधेन्द्रस्य षोडश आयुध संस्तुति। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। श्रीमते निकमान्त महादेशिकाय नमः।